हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का अचार। अचार का नाम आते ही फ्रेंड्स दादी नानी या तो फिर मम्मी के हाथों की अचार की याद आने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने मम्मी के तरीके से आम का अचार बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 किलो आम को काट कर अच्छे से धो लिया है। इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए धूप में किसी कपड़े पर फैला देंगे। 2 से 3 घंटे आम को हमने धूप में फैला दिए थे और इसे हमने एक गहरे से भगोने में निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 250 ग्राम नमक डाल देंगे। तो 2 किलो आम के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच हल्दी पाउडर और 250 ग्राम नमक का इस्तेमाल किया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम पूरे दिन के लिए धूप में एक कपड़े से बांध कर रख देंगे ताकि इसमें अच्छे तरीके से धूप लग जाए। तब तक हम मसाले तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ले लिया है 3 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच कलौंजी और 1.5 चम्मच मेथी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों। तो एक कढ़ाई या पैन हम गैस पे चढ़ा देंगे। इसमें हम डाल देंगे मेथी दाना, कलौंजी डाल देंगे, 1/2 चम्मच कलौंजी हम बचा लेंगे, जीरा डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, 1/2 चम्मच सौंफ हम बचा कर रख लेंगे जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, अजवाइन डाल देंगे, 1/2 चम्मच अजवाइन हम बचा कर रख लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर हम भून लेंगे। तो इस तरह से मसाले में अब चिटचिट की आवाज़ आने लगी है और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आने लगी है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने के बाद पीस लेंगे। पूरे दिन धूप में रखने के बाद आम ने इस तरह से पानी भी छोड़ दिया है। इसे हम एक गहरे से और चौड़े से बर्तन में पलट लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मसाला भूनकर पीसा है, सभी मसाले हम इसमें डाल देंगे। सरसों को भी हमने पीस लिया है, उसे भी डाल देंगे। जो हमने सभी खड़े मसाले बचाकर रखे हैं उसे भी डाल देंगे। डेढ़ चम्मच इसमें हम हींग डाल देंगे, 3 बड़े चम्मच इसमें हम डाल देंगे विनेगर, 250 ग्राम इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। तो अचार में फ्रेंड्स आप सरसों का ही तेल इस्तेमाल करिए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे जिससे कि अचार में बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। 2 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी हमारा अचार बनकर तैयार है। तो आप इसे एक एयर टाइट डब्बे में भर कर रख लीजिए फ्रेंड्स, ये सालों साल तक अचार चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मम्मी के अचार की तरह हमारा आम का अचार बनकर तैयार है। तो आप इस तरह से एक बार घर पर ट्राई ज़रूर करिए और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मैं मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।